अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़नामचा में आपका मेज़बान दोस्त डॉक्टर नज़ीर दुरानी आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है, इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे और अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। यकीनन नाज़रीन आपको लग रहा होगा कि क्वेटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है और मुख्तलिफ़ कलर से जो है उसको सजाया गया है। आज यकीनन मैं रंगों की दुनिया में हूँ। ये रंगों की दुनिया वो रंगों की दुनिया है जिससे मोहब्बत करके यहाँ पर आर्टिस्ट बनता है और आर्टिस्ट बनने के बाद अपने फ़न का मुजाहरा जो है फ़न पारे वो दीवारों पे बनाता है। और आज हम इसी आर्टिस्टों के बीच में है। यकीनन क्वेटा को खूबसूरत करने के लिए, क्वेटा को खूबसूरत बनाने के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। आज ये इनिशिएटिव हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ एरियाज से फीमेल्स आई हैं और वो दीवारों के ऊपर क्वेटा को खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर मुख्तलिफ पोर्ट्रे बना रहे हैं और इसके साथ साथ उनके कलर का जादू आपको नज़र आ रहा होगा कि पीछे उन्होंने क्वेटा लिखा हुआ है। आए हम आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले हमारे साथ एक भाई यहाँ पे खड़े हैं, हम उनसे सबसे पहले पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सरबुलंद खान। सरबुलंद खान भाई आप क्या करते हैं? मैं स्पेशल मजिस्ट्रेट मेट्रोपोलिटन कोर्ट। अच्छा माशाल्लाह, सरबुलंद भाई जो है वो स्पेशल मजिस्ट्रेट मेट्रोपोलिटन क्वेटा है। आप लोगों का भी आज इनके साथ जो है बहुत अच्छा बाहमी अंडरस्टैंडिंग है इनके साथ, तो क्या आप कहना चाहेंगे आज के इवेंट के हवाले से? आज के इवेंट के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो हमने ये एक्टिविटी प्लान की, इसका बेसिक जो एम था, जो गोल था, वो ये था कि हम क्वेटा का एक सॉफ्ट इमेज एक पोर्ट्रे करें ताकि आवाम को, मिसाल आपने देखा है क्वेटा में जो वॉल्स हैं वो वॉल चॉकिंग वाला इशू है एक, उसका उसको भी हमने मतलब ये दिखाना था कि हम ये भी चीज़ करके जो है ये जो इवेंट चल रहा है, डिफरेंट कल्चरल जो इस मतलब कल्चरल जो ये पोर्ट्रेट्स हैं उसके अलावा जो सीनिक ब्यूटी है वो हम यहाँ पे वॉल पे मतलब ये बना के, जो ये हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वॉलंटियर्स हैं सारे, ये बना के एक सॉफ्ट इमेज, जो कि एक मेन मकसद इसका जो कल्मिनेट करेगा वो ये है कि एक ब्यूटी, एक नेचुरल, एक क्वेटा की सफाई में भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा और लोग जो है दीवारों को जब साफ देखेंगे उसके सामने कचरा भी नहीं फेंकेंगे। जी 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 बिल्कुल। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताएं कि ये क्वेटा में अभी इस वक्त जो है क्वेटा का माहौल ज़्यादा जो है वो बहुत सारे एरियाज़ हैं, अगर बारिश होती है पानी आता है तो बहुत सारा पानी आता है, बहुत सारी बारिश होती है और बहुत सारी नालियाँ भी भर जाती हैं, तो इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप सफाई के हवाले से? जैसे एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो है वो यकीनन इस मरतबा जो नए एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं उन्होंने थोड़ा सा चेंज वो लेके आए हैं, सड़कों को जो है वो धोने का एक सिस्टम शुरू हो गया था और सारा कुछ, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो क्वेटा की जो ये बरसाती नालों की बात है, ये बहुत जल्दी जो है इनमें से पानी उभरना शुरू हो जाता है, जैसे चश्मे फूटना शुरू हो जाते हैं जब बारिश होती है या बर्फबारी होती है, तो ये क्यों, इसकी वजह क्या? इसकी वजह ये है कि जनाब क्वेटा शहर जो है अंग्रेज़ ने जब बनाया था तो वो 5 लाख लोगों के लिए बनाया था, तो अभी आपको पता है आबादी लगभग 30-35 लाख के करीब है, तो जो 38 जी जी, तो उस हवाले से ये है कि मतलब जो जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो ड्रेन बनी हुई है वो पुराने आबादी जो पॉपुलेशन है उसको मद्देनजर रखते हुए बनी थी, उसके बाद यहाँ पे जो है कोई और नया ड्रेन सिस्टम बना नहीं है, इस वजह से वो आपको पता है क्लॉग हो जाता है। अभी एडमिनिस्ट्रेटर साहब नए आए हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, ये आपको पता है रेलवे लाइन में जो नाला था बहुत बड़ा इसको क्लीन किया है और 14 और मेन नाले हैं, उसके अलावा ड्रेन्स हैं उनको भी ये जो है गाय बगाए जो है क्लियर इसको साफ करते रहेंगे इंशाल्लाह। भी आपने देखा होगा हालिया बारिशों में इतनी गंदगी फैली नहीं जितनी पहले फैलती थी, तो ये भी एक तरह की इम्प्रूवमेंट है। क्या पैगाम देना चाहेंगे क्वेटा की आवाम को? क्वेटा की आवाम को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो क्लीनलीनेस, मतलब आपने सफाई का ख्याल करना है, क्वेटा आपका भी शहर है, हम सब का शहर है, हम इसके सारे वासी हैं, तो इसको ओन करें, ये यहाँ कचरा लिटरिंग ना करें और सफाई का मेन ख्याल रखें, भी वॉल चॉकिंग हो गया या इस तरह की जो गंदगी फैलाना है, जो है गंदगी जो सफाई निश्चित ईमान है आपको पता है, तो सफाई का जो है मेन ख्याल रखना चाहिए, मेरा जो जो मैसेज है वो यही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो काइंड ऑफ। थैंक यू। जी आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पे 3 फीमेल्स की खिचड़ी बन रही है, पता नहीं क्या बना रहे हैं, मुझे बताएं आप बना क्या रही हैं? हम बलूचिस्तान की टाइमलाइन, बलूचिस्तान की टाइमलाइन बना रही हैं। बहुत मुख्तसर सा नहीं बना रही? अभी आप इसके डेप्थ में गए नहीं हैं। अच्छा डेप्थ आप कहाँ से देख रही हैं, कहाँ से बना रही हैं, आपके माइंड में सारी चीज़ें? जी अभी तक बना नहीं है ना,
You should wait to complete it. आपके माइंड में है सारी चीजें, मतलब लोग तो सारा कुछ वो कोई मोबाइल से देख रहा है। अच्छा स्केच है आपके पास। अच्छा मुझे ये बताएं, इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं, जो फीमेल्स आपको देख रही हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? वो भी घर से निकले, कुछ करें लाइफ में, घर में बैठे बैठे टाइम वेस्ट ना करें, टाइम वेस्ट ना करें, अपने मेंटल हेल्थ पे काम करें। अच्छा टाइम वेस्ट ना करें, घर से निकलें, कोई काम करें, ताकि आप भी यहाँ पे शाइस्ता की तरह जो है यहाँ पे शाइस्ता शाइस्ता चीज़ें बनाएं। और भी यहाँ पे फीमेल्स हैं, उनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मीना खालिद। खालिद जी? मीना खालिद। मीना खालिद, अच्छा मैं पता नहीं, मैं समझा कौन सा खालिद। जी क्या कॉफ़ी बना रही हैं आप? नहीं मैं पेंट बना रही हूँ। पेंट बना रही हैं जी। बड़ा इसका स्ट्रॉन्ग और कॉफ़ी टाइप का कलर है, तो क्या नहीं एक्चुअल में चॉकलेट टाइप का कलर, चॉकलेट टाइप का। खैर चॉकलेट वाली कॉफ़ी भी पी लेता है बंदा, कैपेचिनो तो नहीं है लास्ट कैपेचिनो भी। अच्छा क्या क्या बना रही हैं आप? हम जो है क्वेटा की टाइमलाइन बना रहे हैं, असल में क्वेटा का लैंडस्केप दिखा रहे हैं कि इल्यूजन के अंदर कि क्वेटा मर्ड कंस्ट्रक्शन से जो है वो अभी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने लग गए हैं, इधर तक आ गया। तो हम एक ऐसी इलस्ट्रेशन इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आपको लैंडस्केप भी नज़र आएगा और एक पूरी डिफरेंट ईयर्स की टाइमलाइन नज़र आएगी कि हम मर्ड कंस्ट्रक्शन से किधर तक आ गए। बताएं ये काम मुश्किल है या आसान? ये काम मज़े का है, इंजॉय करने वाला काम जी, ये इंजॉय करने वाला काम है। अगर आप इंजॉय नहीं कर सकते तो आपके लिए मुश्किल होगा। आपके लिए मुश्किल, आप कर नहीं पाएंगे ना? जी जी हमारे अच्छा, लिए मुश्किल नहीं है, हम ऑलरेडी आर्टिस्ट हैं। अच्छा अगर अभी मैं बोलूं कि यहाँ पे स्केच बनाना हो किसी का भी, तो कितने टाइम में आप बना देंगे? डिपेंड करता है कि कितनी डिटेल में आपको चाहिए। मैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती हूँ, मैं उतनी प्रो पे नहीं हूँ, लेकिन मुझे 9 घंटे लग जाते हैं, 9 से 10 घंटे। ओए बहुत बड़ा टाइम है। तो इस बीच में वो बंदा अगर कहीं उसका टाइम ना हो, उसके पास वो जाना चाहे तो? पोर्ट्रेट मेकिंग इतनी आसान होती भी नहीं, आपको घंटों के लिए बैठना पड़ता है। अच्छा ये बताएं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हैं? मैं ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर कर रही हूँ। अच्छा ब्यूटम यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर कर रही हैं। ये इस वक्त यहाँ पे जो फीमेल्स मौजूद है, क्या ये सारी ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स हैं? जो हमारा ग्रुप है वो ब्यूटम्स वालों का ही है, लेकिन हमारे पास बीएमसी की डॉक्टर भी हैं जिनसे अभी आपने इंटरव्यू ले लिया। अच्छा क्या पैगाम देना चाहेंगे इस वक्त जो फीमेल्स आपको देख रही हैं, बलूचिस्तान के हवाले से क्या प्रोग्राम देना चाहेंगे, पैगाम देना चाहेंगी? क्वेटा के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगी? जो फीमेल्स आपको देख रही हैं क्वेटा, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमें क्वेटा का टैलेंट बाहर निकालना चाहिए, लाना चाहिए, एक शोकेस होना चाहिए। ऐसे इवेंट्स अगर गवर्नमेंट क्रिएट नहीं करती तो खुद करने चाहिए, ये कोई इतनी वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि इसके लिए ख़ास एक इवेंट पूरा क्रिएट किया जाए। वॉल आर्ट जो है वो एक हैबिट होनी चाहिए, हमें अपने शहर को खुद ही खूबसूरत बनाना पड़ेगा, एज अ सिटीज़न ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आप डिफरेंट आपको शोबे के लोग मिलेंगे, तो फीमेल्स अभी हर सेक्टर में हर उसमें आगे ही हैं। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। आप भी अपने बारे में बताएं कुछ, मैं नीचे उतर जाता हूँ आप ऊपर खड़ी हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम मैमूना है, मैं आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट ब्यूटम से इनकी स्टूडेंट हूँ। तो बेसिकली जब ये इवेंट हो रहा था, मुझे मैंने पहले भी वॉल आर्ट किया है, तो बेसिकली मैंने पहले भी वॉल आर्ट किया था। जब मैंने वॉल आर्ट का सुना और वॉल चॉकिंग वाकई बहुत बढ़ गई है क्वेटा में, तो मेरा एक्टिविटी करने का दिल चाह रहा था, तो मैंने अपनी बहनों को भी कहा भी आ जाएं, चाहे आप लोग जिन भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। मैं बेसिकली हमारा है आर्ट्स एंड क्राफ्ट और दूसरे काम होते रहते हैं साथ साथ, और बिल्डिंग प्लान्स वगैरह भी बनाते हैं, लेकिन लेकिन ये है कि बेसिक इस एक्टिविटी में आप ये है कि आप आते तो आपको खुद भी एक क्रिएटिविटी करके एक पॉजिटिविटी फील होती है, एक अच्छी एनर्जेटिक ऐसी एक्टिविटीज़ करके इंसान खुद भी थोड़ा एनर्जेटिक हो जाता है। मेरा भी दिल कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी शक्ल बना। एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट सबको करना चाहिए ताकि वो अपना हाथ भी साफ कर सकें, उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए इस काम की, और अगर आप दूसरों के लिए और अपने लिए कुछ अच्छा कर सकें तो अच्छी मेमोरीज में भी आप क्रिएट कर सकें। मैं अपनी शक्ल बना सकता हूँ यहाँ पे स्केच वगैरह? आप बना के चेक करें। मैं बना के चेक करूँ? मैं नहीं बना सकता क्योंकि ये इनका काम है, और आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यकीन करें कि हमारी जो यूथ यहाँ पे मौजूद है, जो काम ये यूथ कर रही है, ये काम हमारे
आला हुकाम को करना चाहिए था, ये काम उनके जुमरे में आता था कि वो ये काम करें, सड़कों पे निकल के बाकायदा जो है लोगों को पेमेंट करें और बाकायदा इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है उसको लोगों के सामने लेके आए, बलूचिस्तान को लोगों के सामने लेके आए, क्वेटा को लोगों को दिखाएं कि क्वेटा के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो यकीनन आज बहुत खुशी की बात है कि हमारी जो फीमेल्स घर से निकली हैं और वो ये काम कर रही हैं और सड़कों के बीच में ये खड़ी हैं, तो ये यकीनन एक इंतहाई जो है खुशगवार माहौल इन्होंने बनाया हुआ है और एक बहुत ही खुशगवार बात है। क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? मैं बेसिकली यही पैगाम देना चाहूँगी कि जितने भी लोग हैं जो इस टाइम घरों में मौजूद हैं या इस तरह के, पहली बात तो इवेंट्स बहुत कम होते हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे इवेंट्स करवाए ताकि सब एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। तो जैसे कि यूथ जब कोई अच्छी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगी तो एक पॉजिटिविटी आएगी, और आपके जो है जब आप जो रहने वाले लोग हैं ना वो अपने शहर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे जैसे आप चेंज होते हैं, आपकी चीज़ें चेंज होती हैं, तो आपके पता चलता है कि यहाँ के लोग अब पढ़ लिखे हैं, एजुकेटेड लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ के लोग का माहौल कैसा है, बाहर निकलें, चीज़ों को फेस करें, देखें और अच्छे एनवायरनमेंट में लोगों के साथ काम करें। थैंक यू। अपने कलरफुल हाथ लोगों से साफ करें, लोगों के कपड़ों में ग्लव्स पहने, ग्लव्स पहने। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चले नाज़रीन लेके चलते हैं, यहाँ पे और भी फीमेल्स मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि आज वो घरों से निकली हैं और यहाँ पे सड़कों पे जो है वो पोट्रे बना रही हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बना रही हैं, मुख्तलिफ क्वेटा को खूबसूरत करने के लिए जो है मुख्तलिफ चीज़ें बना रही हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि उनको इजाज़त घर से कैसे मिली और यहाँ पे आने के लिए जो है एक बहुत बड़ा मसला होता है यकीनन, लेकिन वो सारे मसले जो है वो छोड़ के आई हैं और आज हमारे साथ यहाँ पे क्वेटा के सड़कों पे मौजूद है और शहर में क्वेटा के बीचों बीच जो है ये फीमेल यहाँ पे अपना पोट्रे और इसी तरह से पेंटिंग बना रही हैं। चलें नाज़रीन आपको लेकर चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम बैठे हैं, हमारे बलूचिस्तान की बड़ी जानी मानी शख्सियत हैं शाज़िया बतूल, इन्होंने यूथ के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है और ख़ुद भी बहुत प्यारी आर्टिस्ट हैं और बहुत प्यारा पोट्रे वगैरह जब बनाना होता है तो बहुत अच्छा काम जो है इनका होता है, और आज ये काम नहीं कर रही, इधर मौजूद हैं। यकीनन इनका जज्बा इतना ज़्यादा है कि बलूचिस्तान की फीमेल्स को अगर देखा जाए तो उनमें से 50% इनका जज्बा जो है वो इन्होंने ट्रांसफ़र किया है उन फीमेल्स को जो इस वक्त यहाँ पे पोट्रे बना रही हैं, और यकीनन इस तरह की बहुत सारी और भी फीमेल्स हैं जो क्वेटा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं और वो आना चाहती हैं, ये बाकायदा उनके पास जाती हैं और उनको मोटिवेट करती हैं। इस वक्त शाज़िया आप हमारे साथ मौजूद हैं। शाज़िया मुझे ये बताएं कि आज आपके हाथ में कुछ नहीं है, क्यों? हाँ, आज जो है एज अ सुपरवाइज़र मैं यहाँ पर हूँ, जितने भी हमारे आर्टिस्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं मौजूद है तो उनके साथ मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, उनको गाइड कर रही हूँ। तो वैसे तो हमारे आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम है उनका, और वो लोग डिफरेंट जो थीम्स को लेकर आज वो लोग काम कर रहे हैं, जैसे कल्चर है और कुछ ऐसे आर्टिस्ट है जो है डिफरेंट चीज़ों पे थ्रू कलर्स जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ से अब जो हमारी गुज़र होगी, सब लोगों की यहाँ पे यहाँ से गुज़र होगी, तो उनको इसके बावजूद जो हमारे शहर के हालात ठीक नहीं हैं, तो आज हम वो मैसेज दे रहे हैं कि इतने मुश्किलात के बावजूद भी आज हमारे यूथ जो है उनमें वो ताकत, वो खूबसूरती, वो चीज़ अभी भी मौजूद है, जो कि वो एक मैसेज है लोगों तक कि हम कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ सकते, हम अपने कलर्स के ज़रिए अपने शहर को खूबसूरत कर रहे हैं ताकि लोगों को एक खूबसूरत मैसेज दे सकें कि हम लोग कमज़ोर नहीं हैं और हम हमेशा साथ हैं और साथ रहेंगे। और आप यहाँ वॉल पर देख सकते हैं कि डिफरेंट पाकिस्तान में हर कल्चर के लोगों को जो है उनके कलर्स को जो है हमारे आर्टिस्ट ने दिखाया है। ये रंगों के मोहब्बत के हवाले से मैं बात करूंगा, क्योंकि ऐसा आर्टिस्ट है ही नहीं कोई, मैं समझता हूं कि ऐसा आर्टिस्ट हो ही नहीं सकता जिसको रंगों से मोहब्बत नहीं है। रंगों से मोहब्बत कैसे की जाती है? रंगों से मोहब्बत कैसे की जाती है? रंगों से मोहब्बत ऐसे की जाती है जो आप दीवारों पर देख रहे हैं कि हर आर्टिस्ट अपने इनर फीलिंग्स को
दिखा रहे हैं तो उसको उसी को मोहब्बत कहते हैं। हम इसी मोहब्बत, इसी कलर्स के ज़रिए हम लोगों तक अपने मोहब्बत को उजागर करने का एक यहाँ से एक गुज़र जो लोगों का होगा, हम एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि ये है आर्टिस्ट का मोहब्बत और उनकी मैसेज लोगों तक पहुँचाने का ये एक ज़रिया है। शाहजी, एक आखिर में मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपने कोई ऐसे लोगों को मोटिवेट किया है, क्योंकि देखें अल्लाह ताला ने जो है वो आपके पास आपके टांगे जो हैं वो काम नहीं करती हैं, आपके टांग जो है काम नहीं करते हैं, तो आपने कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसमें कोई ऐसा दूर दराज एरियाज़ में कुछ मेल फीमेल्स रहती हों, उनके पास जाके आप उनको मोटिवेट करते हों और उनको घरों से निकाल के जो है आप अपने साथ लेके आते हों और आप बाकायदा जो है उनको बना के लोगों के सामने पेश करती हूँ? जी बिल्कुल, अभी तकरीबन 4 साल हो गए जो मैं इस पे काम कर रही हूँ, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ पे। हमारा पहला मकसद यही था कि हमने माजूर अफराद को घरों से निकालना है, हमारे माशरे में जो नॉर्मल ख़वातीन हैं उनको घरों से निकालना, इस सोसाइटी में लाना बहुत मुश्किल है, और इस तरह के ख़वातीन जो डिसेबल है उनको घरों से निकालना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि हमारा माशरा एक्सेसिबल नहीं है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का कोई वो नहीं है, वो भी एक्सेसिबल नहीं है, तो स्कूल एक्सेसिबल नहीं है, हमारा माशरा एक्सेसिबल नहीं है। उस पर मैं काम कर रही हूँ और मैं 3 साल से मैंने काम किया है इस पर, ब्रेकिंग बैरियर्स वुमेन, जो कि उसकी मैं CEO हूँ, उस हम लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए काम कर रहे हैं और 3 साल से हम ये काम कर रहे हैं कि हर बिल्डिंग को हमने एक्सेसिबल किया है। कितनी फीमेल आपके पास इस वक्त आई हैं, कितनी फीमेल्स को आप जो है घरों से निकाल के लाएँ? तादाद मैं नहीं बता सकती, मगर मेरा ये है कि मैं जहाँ भी मुझे थोड़ा सा पता चलता है कि इस घर में कोई माजूर है तो मैं उनसे उनके घर मिलने जाती हूँ और उनको हम अपना ब्रेकिंग बैरियर का जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू हम उसको कोशिश करते हैं कि वो बाहर निकले और उनमें जो काबिलियत है उसको हम बरूए कार लाएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात की शाजिया ने। मैं उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ जिनके घर में कोई माजूर बच्चा या बच्ची है, अगर वो उनको बाहर निकलने नहीं देते तो इसका मकसद ये है कि वो लोग खुद दिमागी माजूर हैं, उस बच्ची के टांगे काम नहीं करती होंगी, हाथ काम नहीं करता होगा, लेकिन उस बच्चे का जो भी वहाँ पे घर में मौजूद होगा, लेकिन अगर उसके घर वाले उनको इतना जो है वो पॉजिटिव वे में उस बच्चे को या उस बच्ची को वो पॉजिटिव वे में सामने नहीं लेके आते तो मैं समझता हूँ कि उनसे बड़ा माजूर कोई नहीं है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बलूचिस्तान, एडमिनिस्ट्रेटर क्वेटा लोनी साहब मौजूद हैं और इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जो हमारी MPA हैं, जो हमारे इस वक्त कलमदान उनके पास है, बुशरा रिंद साहिबा, जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और हर जगह वो पहुंच जाती हैं, इस वक्त भी यहाँ पे पहुंची हुई हैं और यहाँ पे जो नौजवान है, जो यूथ है, उनको जो है वो एनर्जी शिफ्ट कर रही हैं, ट्रांसफ़र कर रही हैं, क्योंकि ये एनर्जी उस वक्त ट्रांसफ़र होती है जबकि नौजवान काम कर रहे होते हैं और आप उन नौजवानों के लिए जो है आके उनकी हौसला अफजाई करते हैं तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। इस वक्त हमारे साथ बुशरा रिंद साहिबा मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि बुशरा रिंद साहिबा आज के हवाले से, इस इनिशिएटिव के हवाले से क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाए खैरियत से? अल्लाह का बहुत एहसान है। यूथ के साथ अक्सर आपको देखा है कि आप यूथ के बीच में आ जाती हैं और एकदम से कूद जाती हैं और यूथ को आप जो है एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, तो आज के हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यूथ और स्टूडेंट्स से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि एजुकेशनिस्ट हूँ स्कूल के हवाले से, 28 साल से मेरा बच्चों से ही रابطہ रहा है, तो मैं जहाँ ऐसी एक्टिविटी देखती हूँ तो आई लव टू कम। और ये पेंटिंग, क्योंकि जिस तरह ये बच्चे कर रहे हैं मैं खुद इसका हिस्सा रही हूँ और तकरीबन 20 साल इसी तरह वॉल्स पे पेंटिंग मैंने खुद भी की है। अच्छा माशाल्लाह, ये तो आपने बताया नहीं, अभी कुछ देर पहले मैं आपको देख रहा था कि आप खुद भी वॉल के ऊपर कुछ बना रही थी। बिल्कुल। तो आज आपका कोई फन पारा हमें नजर आएगा या आप खुद बनाएंगे कोई फन पारा? नेक्स्ट में इंशाल्लाह आप देखिएगा कि हम नेक्स्ट वॉल जब करेंगे इंशाल्लाह सून, तो उसमें मैं अपना करवाऊंगी। बिल्कुल। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान के हवाले से बहुत सारी लोगों के दिमाग में जो है बहुत सारी बातें आती हैं, पूरे पाकिस्तान में लोगों ने बलूचिस्तान को पता नहीं क्या बना दिया, बलूचिस्तान के हवाले से जो है नेगेटिव पॉइंट उठते हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे? इस वक्त देखिए ये हम बिल्कुल ओपन सड़क के बीच में हमने इतना बड़ा कनोपी लगाई हुई है और कोई मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी का इतना ज़्यादा आला निज़ाम नहीं है, इंतज़ाम हमने नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी यूथ सारी यहाँ पे मौजूद है, तो बलूचिस्तान तो अब पुरअमन है, लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान में अमन नहीं है। देखिए पुरअमन हमेशा से था, इसको ख़राब करने वाले हमारे ही लोग हैं, जो मैं कहती हूँ कि बड़ी पोस्ट पे और निशस्त पे बैठ कर सियासत करते रहे लेकिन सूबे के लिए कुछ नहीं किया।
तो बलूचिस्तान मेरा ख्याल है इसमें टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे यूथ माशाल्लाह, अगर मैं इनका टैलेंट और चीज़ों में भी जब कंपेयर करती हूँ और सूबों के बच्चों से, तो दे आर ऑन द टॉप। देखिए इस वक्त मोहतरमा यहाँ पे तकरीबन फीमेल्स सारी मौजूद हैं, आप खुद भी एक खातून हैं, घर से निकली हैं, एक कबायली माशरा है, आप खुद रिंद कबीले से ताल्लुक़ है आपका, और वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कबीला है हमारे बलूचिस्तान के हम लोगों को, क्योंकि हमारी अपनी पैदाइश, हम खुद बलूचिस्तान के लोग हैं। तो ये लोगों के दिमाग में एक अजीब से तासुरात बैठे हुए हैं कि पता नहीं बलूचिस्तान में खवातीन घर से नहीं निकलती हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगी इस वक्त जो भी आपको देखते हैं? देखिए सबसे पहले हम जैसे लोगों ने आकर ये ट्रेंड चेंज कर दिया है। असेंबली में आपके सामने मैं 2-2.5 साल से जो बोल रही हूँ, तो एज अ रिंद ट्राइब से एक औरत आकर इस फोरम पर जब बात करती है तो अंदाज़ा हो जाता है कि बलोच जो है वो खुले जहन के लोग हैं, कोई कंजर्वेटिव माइंड्स नहीं है, और ना ही उनके जहन में कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई आइडियाज़ हैं। दे लव पाकिस्तान, दे लव बलूचिस्तान, और इंशाल्लाह ख़वातीन को आगे बढ़ना चाहिए। हमारे पेरेंट्स को चाहिए जितने भी हैं अपनी बच्चियों को प्रमोट करें, इनको कॉन्फिडेंस दें, आगे आएँ हर फील्ड में, और ताकि ये कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें, बलूचिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत अच्छी बात है मैडम। एक और चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा, इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं, स्पेशली अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा है कि बलूचिस्तान क्वेटा में बहुत से लोग, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और यहाँ से बहुत से लोग जो है वो आए हैं, टूरिस्ट हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे कि पहले की तरह दोबारा से क्वेटा में लोगों का आना हो, और ज्यारत जो है हमारे जो मुख्तलिफ इलाके हैं, चुटोक है, इसी तरह से हमारे पास बोलान पीर गैब है, हमारे पास हरनाई है, हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे इलाके हैं, पाकिस्तान के सबसे प्यारे इलाके माशाल्लाह इस वक्त बलूचिस्तान में मौजूद है, क्या पैगाम देना चाहेंगी? मेरा ख्याल है सबसे बेस्ट टूरिज्म की जो स्पॉट्स हैं वो बलूचिस्तान में, और हमारे CM जाम कमाल साहब ने टूरिज्म में बहुत काम किया है, और इंशाल्लाह आने वाले एक साल में आप देखिएगा कि ये कुंड मलीर की जो 770 किलोमीटर की पट्टी है ये इतनी डेवलप होगी कि क्या कोई फॉरेन की इस तरह से कोस्टल बेल्ट डेवलप होगी। इसी तरह हमारे मुल्ला चुट्टो की आपने बात की, पीर गैब की बात की, ज़्यारत है, ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं, और आप अभी भी देखें तो वहाँ पर आपको कराची के और आउटसाइडर्स बहुत मिलेंगे। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पुरमन बनाएं बलूचिस्तान को। इसमें ना सिर्फ हुकूमत का किरदार होना चाहिए बल्कि अपोजिशन का भी होना चाहिए, क्योंकि ये सूबा सिर्फ हमारा नहीं उनका भी है, सबका सूबा है। इसमें यूथ का भी हिस्सा होना चाहिए, इसमें आवाम का भी हिस्सा होना चाहिए, और इसमें जो है आपका भी हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि आप भी इसको देख रहे हैं इस वक्त, ये बलूचिस्तान आपका भी है। अगर पाकिस्तान के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है तो बलूचिस्तान आपका भी है। हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटर साहब खड़े हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, और इस वक्त जो है बलूचिस्तान के लिए, क्वेटा के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, सफाई के हवाले से, और ये वॉल चॉकिंग और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनके जो है वो हिस्से में आती हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, सर सबसे पहले तो आप ये बताएँ कि आप जब इस पोस्ट पे आए, तो मैंने एक चीज़ क्वेटा में नोट की थी कि क्वेटा की सड़कों को मेरे बाप दादा कहते थे कि धोया जाता था जी, हम दुरानी कबीले से ताल्लुक़ है गफूर खान दुरानी, हमारी सड़कों को जो है वो धोया जाता था। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं तकरीबन 37 साल मेरी एज है, कोई एज नहीं बताता लेकिन मैं बता रहा हूँ, 37 साल की एज में मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि सड़कों को धोया जा रहा हो। तो ये आपने जब शुरू किया तो आपके दिमाग में क्या आया? देखिए जी, पहली बात तो ये कि क्वेटा हम सबका घर है, इसकी सफाई, इसका ख्याल रखना, इसको बेहतर बनाना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। मैं जब इस पोस्ट पर आया तो मैंने रियलाइज़ किया कि क्वेटा में कचरे के अलावा सफाई ना होने की वजह से जो कचरा फैलता है वो एक और बात है, लेकिन उसके अलावा जो रोज़मर्रा के मामले हैं उनकी वजह से लोगों में अवेयरनेस फैलाने का मेरा एक बहुत बड़ा वो था कि लोगों को पता चले कि शहर को साफ़ रखना हम सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। तो हमने रोड धुलवाने का एक प्रोग्राम शुरू किया, पानी की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा अर्थात चल तो नहीं सकता वो, लेकिन ये कि हमने एक इनिशिएटिव लिया कि लोगों को पता चले कि जी यहाँ पर रोडें धुल भी सकती हैं, कचरा उठाया भी जा सकता है और हम उठा रहे, और लोगों को ये बताया जाए कि जी आपका काम है, आपका फ़र्ज़ है, आपका सबका घर है, हम सबका घर है कि आप कचरा कम से कम फैलाएं, और लोगों में इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए हमने मुख्तलिफ नए इनिशिएटिव शुरू किए जिसमें आज वाला भी शामिल है, ताकि सब लोगों में ये शऊर पैदा हो कि क्वेटा को साफ़ रखना किसी एक शख्स या एक अदारे की जिम्मेदारी नहीं, ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है और हम उस पर मिलकर के काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि क्वेटा के हवाले से अगर कोई काम करे, मेरा अपना शहर है और मेरे अपने शहर को कोई खूबसूरत करे तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं है, क्योंकि मैंने खुद इसी शहर में अपने बच्चों को लेकर घूमना होता है। मैं एक और चीज़ के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन भी बल्कि लूँगा, मुझे शायद इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा, और इंफॉर्मेशन के साथ साथ मैं एक सजेशन भी देना चाहूँगा। लाहौर की तरह जैसे लाहौर में
तरक्की का एक प्रोजेक्ट काम कर रहा था और अभी भी शायद कर रहा है, ठीक है, उन्होंने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी एक काम कर रही है, तो हम क्वेटा में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की तरह का काम क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं, और उस पर हम काम कर भी रहे हैं, और इंशाल्लाह हम जल्दी कुछ ना कुछ ऐसा एक सिस्टम बना लेंगे जिसमें हमारा कचरे का उठाने का जो प्रोग्राम है या तो हम इसे प्राइवेटाइज कर देंगे या हम एक प्राइवेट फर्म के साथ मिल करके जॉइंट वेंचर करेंगे ताकि हम इसको सफाई को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चला सकें, और वो इंशाल्लाह जल्दी आपके सामने आ जाएगा। एक और चीज़ के बारे में मैं आपसे पूछूंगा सर, देखिए आप माशाल्लाह इस वक्त एनर्जेटिक हैं, आप काम कर रहे हैं, मैडम के साथ भी आपने जाना है, तो आप मैडम के पास चले जाएं, फिर मैं आपसे दोबारा आके वहीं पे। नाज़रीन आपने देखा कि यहाँ पे इस वक्त जो पॉजिटिव काम के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे हमारे यंगस्टर्स, हमारी यूथ जो है वो इस वक्त मौजूद है और दीवारों को कलर कर रही है, दीवारों पर मुख्तलिफ फन पारे बना रही है, जो बलूचिस्तान और क्वेटा की खूबसूरती को दोबाला करने में जो है वो हमारा साथ दे रहे हैं। ये आप देख रहे हैं इस वक्त जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि दीवारों के ऊपर जो है ये फन पारे बनाए जा रहे हैं। तो आ जाए नाज़रीन, हम आपको आगे भी लेके चलते हैं, आगे भी हम आपको दिखाते हैं कि क्या हो रहा है, और यूथ से भी हम बात करते हैं, नौजवानों से भी हम बात करते हैं, हमारी फ़ीमेल से भी हम बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगी आज के इस प्रोग्राम के हवाले से। चले नाज़रीन, जी नाज़रीन इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यूथ जो है वो अपना फन दिखा रही है, और इस वक्त एक फीमेल हमारे साथ जो है यहाँ पे मौजूद हैं जो कि दीवार पे एक पोर्ट्रे एक तस्वीर बना रही हैं। आप अगर थोड़ा सा इस तरफ मेरे साथ मुखातिब होंगी तो बात करने में आसानी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? महक। महक, ये बताएँ कि ये क्या सूझा आपको, और आप इस वक्त अपने हाथ भी आपने जो है वो सारे कलर किए हुए हैं, और यहाँ पे आपने माशाल्लाह मोबाइल में एक बच्ची का पोर्ट्रेट खोला हुआ है और वो बना रही हैं, तो आपको ये कहाँ से ये थीम आई कि आपने इस बच्ची को जो है वो यहाँ पे इस सड़क के ऊपर इस बच्ची की तस्वीर आपने बनानी है? मैसेज देने के लिए कि एजुकेशन जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली कई लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि लड़कियां आगे जाकर जो है वो भी माशरे का हिस्सा, और वो आगे जा कर तरक्की में बहुत हिस्सा ले सकती है ना, तो इसलिए बस एक मैसेज देने के लिए कि लड़कियों के लिए और ख़ास करके बच्चों के लिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। महक, आप वैसे करती क्या है? मैं फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ वुमेंस यूनिवर्सिटी में। अच्छा माशाल्लाह, ये बताएं कि आपका क्वेटा से ताल्लुक है? जी जी। किस ट्राइब से? किस ट्राइब से? ट्राइब तो पता नहीं। उर्दू बोलती हैं, पंजाबी बोलती हैं, पश्तो बोलती हैं, बलोची बोलती हैं, ब्राह्मी बोलती हैं। वैसे मैं पठान हूँ लेकिन बोलती उर्दू ही। पठान है आप? जी। ये हमारी जो है ये आप देख रहे हैं इस वक्त ये फीमेल हैं पठान, और ये इस वक्त निकली हुई हैं सड़क के ऊपर। आप देख रहे हैं कि ये हमारा बलूचिस्तान है और ये हमारे रंग है, ये हमारा क्वेटा है, ये हमारी खूबसूरती है। इस वक्त आपको एक मैसेज यहाँ पे ये अपने मोबाइल से एक बच्ची की तस्वीर जो है वो यहाँ पे बना रही हैं और मैसेज पास आउट करना चाह रही हैं कि अमन से जो है वो जिंदगी बनती है। शायद यही मैसेज है आपका ना? मेरा मैसेज है कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, और उसके अलावा क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त जो भी आपको टेलीविजन पे देखे? उसके अलावा मैसेज कुछ खास नहीं। चले, इनका कुछ खास नहीं मैसेज है, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक और जो है वो फीमेल बैठी हुई है, उनसे हम पूछते हैं, वो रंगों को मिला रही हैं और मेरे ख्याल से सतरंगी बना रही हैं शायद। आप कैसी हैं? आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? शुक्र है अल्लाह के साथ। क्या कर रही हैं? सबसे पहले तो अपना नाम बताएं, फिर उसके बाद बताएं कि क्या कर रही हैं।
मेरा नाम निधा नकवी है और आज हम लोग फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से, तो हम लोगों को पेंट वॉल पेंटिंग के लिए बोला था तो हम लोग रुकेंगे। आपका ताल्लुक हज़ारा कम्युनिटी से है? नहीं, मैं उर्दू स्पीकिंग है। उर्दू स्पीकिंग है, अच्छा। मुझे ये बताएं कि ये सतरंगी आप बना रही हैं और इसके बाद आपने क्या करना है? कोई ज़्यादा जो है आप किसी को शौक कर देंगी कोई ऐसी चीज़ दीवार पे बना के, या आप खुद वैसे अभी आप कलर बना रही हैं फिर उसके बाद आप सोचेंगी कि आपने करना क्या? बेसिकली रेड एंड येलो कलर मिक्स करके हम लोग ऑरेंज कलर बना रहे हैं और ये वॉल पे हम लोग बटरफ्लाई बनाएंगे। अच्छा जी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वैसे इनको कलर की बड़ी पहचान होती है, इन लोगों को, ये लोग कलर को बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं। ये बोल रही हैं कि रेड और ऑरेंज कलर को, येलो कलर को मिला के ऑरेंज कलर बना रही हैं। ऑरेंज कलर आपके पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है? जी। अच्छा, तो आप जुगाड़ कर रही हैं? जी, हम लोग जुगाड़ू हैं, फाइन आर्ट्स वाले जुगाड़ू होते हैं। अच्छा, ये जुगाड़ू हैं, फाइन आर्ट्स वाले जुगाड़ू होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या पैगाम देना चाहेंगे इस वक्त जो फीमेल्स आपको देख रही हैं, जो क्वेटा बलूचिस्तान की फीमेल्स आपको देख रही हैं, वो लोग जो आपको देख रहे हैं जिन्होंने अपनी बच्चियों को घर में बिठाया और उनको एजुकेशन नहीं दे रहे, उनको पढ़ा नहीं रहे, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही देना चाहती हूँ कि निकलें, कुछ करें, जो आपके अंदर टैलेंट है उसको आप लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, शहूर हासिल कर सकें लोग आपको देखकर। क्या पता आपके अंदर कोई इस तरह की चीज़ हो जो दूसरों में नहीं हो। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, ये कपड़े जो इस कलर से गंदे हो जाते हैं क्या वो दोबारा साफ़ होते हैं? हम लोग तो ऐसे हैं, बस मशीन में दो दाने डिस्प्रीन डालो और वो डिस्प्रीन की गोली डाल के कपड़े साफ करा। ये यार, ये फाइन आर्ट्स वाले वाकई जुगाड़ू हैं, ये डिस्प्रीन की गोलियों से अपने कपड़े साफ करते हैं। वो मतलब कैसे मशीन में आप अपना एक जोड़ा डाल के उसमें आपने ये डाल दिया, ये कलर जो पक्का कलर है ये भी निकल जाता है? डिस्प्रीन और ये, जरा बताएं ऑडियंस को बताएं कैसे ये, कैसे मुमकिन कैसे? बस पहले तो मिट्टी के तेल से आप अगर साफ करते हैं तो कर लें, जो रह जाता है वो बस डिस्प्रीन की दो गोलियां डालें और साफ हो जाएगा, मैदा भी साफ कर देता है इंसान। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम आपको लेके चलते हैं, देखिए यहाँ पे हमारी माशाल्लाह ये फीमेल्स मौजूद हैं, ये हमारी यूथ है और ये बलूचिस्तान की पहचान है, हमारे क्वेटा की शान है, और इस वक्त जो है ये दीवारों पर अपने फन पारे बना रही हैं और घरों से निकली हुई हैं, मुख्तलिफ कबीलों से इनका ताल्लुक है। ये एक जो है ये रंगसाज बनी हुई है मेरे ख्याल से, कलर कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ज़रा खड़ी हो जाए, कैसी हैं आप ठीक हैं? ठीक जी। चेहरे पे आपका सारा रंग लगा हुआ? मैं ऊपर पेंट कर रही थी तो फिर वो इसलिए लग गया। अच्छा, ये बताएंगे पेंट करने के बाद जो चेहरा और हाथ और कपड़े, तो ये घर में डांटते नहीं है अम्मी वगैरह? नहीं, कपड़े तो डांट नहीं, कपड़े तो गंदे। क्या मतलब है सारे कपड़े गंदे हैं? बस कोई नहीं, शौक था तो कर लिया, कपड़े तो गंदे होंगे ऐसे काम। अम्मी वगैरह वैसे घर में कुछ नहीं कहती? पता नहीं, अब शायद डांटेंगी तो डांटेंगी। आपने अपना, आपने पूरा मतलब हक अदा किया, पूरा हक अदा किया, और कपड़े वपड़े सारे गंदे किए, बना क्या रही हैं आप? बनाना क्या चाहिए? की थीम पे काम कर रहे हैं, ब्रेवरी और करेज को हम प्रमोट शो कर रहे हैं, तो ग्रेफिटी की थीम पे। अच्छा, कुछ मुश्किल नहीं लगता सड़क पे निकल के मर्दों के बीच में? ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए स्पेशली पेंडेमिक के टाइम पे, तो अच्छा है ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं, सिक्योरिटी भी दी है, ऐसा नहीं है कि सब मिलके कर रहे हैं तो फिर सही रहता है। क्या दिमाग में, भेजे में क्या आया कि इस तरह का एक अजीब सा जो है वो फंडा? सोचा कि अच्छा एक्टिविटी हो जाएगी और वॉल्स भी क्वेटा की अच्छी हो जाएंगी, लोगों ने ऐसे बस चीज़ें लिखी होती हैं, इश्तहार लिखे होते हैं तो वो भी साफ हो जाएंगे, और जिस तरह से क्वेटा एक फंडा करना था बस वो शुरू कर दिया जी। क्या पैगाम देना चाहेंगे इस वक्त आपको जो फीमेल्स देख रही हैं? बस यही देना चाहूँगी कि ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और उन्हें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, सबको निकलना चाहिए घरों से और क्वेटा को साफ रखें। क्वेटा की खूबसूरती में आप लोग इस वक्त जो इजाफा कर रही हैं, जो लोग इस वक्त क्वेटा नहीं आए और अक्सर औकात जो पहले आते थे, उनको आप क्या पैगाम दें? क्वेटा में अमन है या नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल अमन है, अब बहुत तब्दीली आ चुकी है क्वेटा में, तो आए, बिल्कुल आए क्वेटा में, अब क्वेटा और अच्छा होता जा रहा है। आपकी सहेलियाँ हैं पीछे जो मौजूद? बहने हैं जी, सारी बहने आप लोग यही हैं जी? आप कौन से ट्राइब से ताल्लुक है आपका? हम पंजाबी हैं। पंजाबी हैं, देखिए जी ये पंजाबी हैं, ये क्वेटा की शान है, क्वेटा में रहने वाले लोग हैं, क्वेटा के पंजाबी हैं, चख दे पट्टे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? डॉक्टर माहम। डॉक्टर माहम, डॉक्टर हैं आप? या, है मैं डॉक्टर। कौन सी डॉक्टर हैं?
मैं गायनेकी की डॉक्टर हूँ। गायनेकोलॉजिस्ट है, अच्छा माशाल्लाह। ये देखें, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन बताती हूँ। माय नेम इज डॉक्टर माहम ज़ुबैर एंड आई एम वर्किंग एज अ प्रोविंशियल हेल्थ कोऑर्डिनेटर एट PRCS पाकिस्तान रेड क्रिसेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखें, ये हमारी जो है डॉक्टर माहम है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं और इस वक्त जो है ये पेंट कर रही हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये स्केच बना रही हैं, फिर इसके बाद इसके ऊपर पेंट करेंगी। बहुत बारीक बारीक से, बहुत नाजुक नाजुक से इन्होंने बारीकियां रखी हुई हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बनाया है इन्होंने। वो इन्हीं से पूछेंगे, ये बताएंगे कि बना क्या रही हैं वैसे आप। ये हम लॉइन बना रहे हैं, बेसिकली इट्स अ सिंबल फॉर करेज एंड स्ट्रेंथ, और हमने एज अ सिम्बॉलिक ये बनाया है। इसके आगे हम एक मैसेज भी लिखेंगे एंड दिस इज जस्ट सिम्बॉलिक। और ये जो डायग्राम है, दिस इज कॉल्ड एज अ वेक्टर डायग्राम, क्योंकि जरा वेक्टर डायग्राम है, क्योंकि वेक्टर डायग्राम जो है वो जो जितने भी जो एंगल्स होते हैं उसकी तरह वो बनती है स्क्वायर, और आप इसमें देख रहे होंगे डिफरेंट शेप्स हैं। तो बेसिकली हम डॉक्टर साहब, ज़रा अपना मोबाइल यहाँ पे दिखाएं कि आप ये जो है डायग्राम बना रही हैं, क्या बना रही हैं। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा वो आर्ट के हवाले से इतना नहीं पता, लेकिन मैं खुद आर्टिस्ट हूँ। okay, ये दूसरे हवाले से आर्टिस्ट हूँ। सही सही, ये ले। ये डॉक्टर साहिबा देखें, ये वैसे इंजेक्शन भी अच्छे से लगा लेती हैं और ये काम भी बड़ा अच्छे से कर लेती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे इस वक्त बलूचिस्तान में कितनी ऐसी फीमेल्स हैं जो इस फील्ड में भी हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, क्या आपको पता होगा शायद, आप क्योंकि फ़ीमेल आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा, जो और भी डिपार्टमेंट्स में काम कर रही हैं और मतलब घर से कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी लड़की जो घर से निकलती है वो यूथ है और आज की यूथ जो है वो मजबूत है। जी जी, अभी करंटली लाइक इफ़ यू कंपेयर, तो क्योंकि बलूचिस्तान के एरिया डायनामिक्स कुछ ऐसे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली पहले तो इतनी फीमेल्स निकलती नहीं थी, लेकिन अभी यू कैन सी लाइक ऑलमोस्ट 60% फीमेल्स जो हैं यहाँ निकलती हैं, और डिफरेंट सेक्टर्स में हैं, सिर्फ हेल्थ में नहीं। अभी आप देख रहे होंगे, क्योंकि जैसे हेल्थ में डॉक्टर्स तो मोस्टली कहते हैं कि हाँ डॉक्टर बन गए, टीचर बन गए, लेकिन अभी आप देखें यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं। ये मेरी कज़न सिस्टर है, ये आर्किटेक्ट है, तो मुझे यही लेकर आई है वैसे कि। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के साथ मिलके और यूनिसेफ ने हमें स्पॉन्सर किए सब में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मानूर, ये बताएं कि पूरा मैंने तकरीबन ये जितना भी हमारी ये दीवार को पेंट किया जा रहा है, सारा जगह जो है मैंने चेक किया और सबको जो है मैंने जाके कमेंट्स भी लिए, किसी के पास इतना ज़्यादा जो है वो चीज़ें नहीं उंडेली गई थी जितनी आपने उंडेली है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये लोग आके हम पे फेंक रहे हैं अपना सारा सामान कि हम मैनेज करें, तो खैर हम लोग कह रहे हैं हमारा। अच्छा, वो कचरा आपके ऊपर फेंक रहे हैं? हम लोग, हमारे पास सारा, और फिर हम लोग मेट्रोपॉलिटन वालों को दे रहे हैं साथ साथ कि आप लोग इसको थोड़ा संभालें। अच्छा मानूर, ये बताएं कि कैसे ये एक ख्याल कैसे आया कि क्वेटा में इस तरह का एक, मैं इसको इवेंट समझता हूँ, ये एक इवेंट है और बहुत अच्छा इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया, क्या ख्याल आया दिल में, कैसे पैदा हुआ ख्याल कि क्वेटा को खूबसूरत बनाना है और सड़कों पे निकल के पूरी फीमेल्स को यहाँ पे लेके आना है, कैसे? दरअसल हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन 2-3 सालों से चल रही है, हम सब दोस्त मिलके एक हमारे एज ग्रुप की हम लोग चला रहे हैं, तो हमारे आइडिया में ये था कि बहुत टैलेंट है बलूचिस्तान की यूथ का स्पोर्ट्स के हवाले से और आर्ट्स से, तो हम लोग आर्ट्स को लेके काफ़ी एक इवेंट करना चाह रहे थे बहुत अरसे से। तो जब हमने मेट्रोपॉलिटन वालों को इश्तेहार देखा कि वो ब्यूटिफिकेशन पे काम करना चाह रहे, हम लोगों ने इसको अवेल किया, हमने मेट्रोपॉलिटन के ऑफिस में जाके मीटिंग की और उन्होंने हमें सपोर्ट करने की सारी प्रोमिसज़ की और उन्होंने किया, सब हमें रिसोर्सेज दिए और हम लोगों ने वॉलंटियर्स ढूंढे और हम लोग लूनी कबीला भी एक ट्राइबल कबीला है, ज़्यादातर जो है आप दुखी और इस एरिया में रहते हैं, ठीक है, तो आपका ताल्लुक दुखी से है या यहीं क्वेटा में आपकी पैदाइश हुई है, आपके बाप दादा यहीं पे रहे हैं क्वेटा में? नहीं, हम लोगों का गांव सिबी के करीब लूनी है, सिबी से। अच्छा, वो लूनी है, हम लोग वहाँ। अच्छा, सिबी वाला लूनी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि घर की तरफ से इजाज़त मिल जाती है सड़कों पे निकल के ये पोर्ट्रेट बनाना और ये सारी चीज़ें करना? इजाज़त थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस दफ़ा तो हमारे पास गवर्नमेंट की फुल सपोर्ट थी, तो घरों से भी इजाज़त। आपके पास फीमेल की भी पावर थी ना इस मरतबा, इतनी सारी फीमेल जी है। इस दफ़ा हमारे पास ज़्यादा फीमेल्स है, 40+ फीमेल्स और 20 के करीब मर्द हैं, तो फिर ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगी इस वक्त जो यूथ आपको देख रही है, और आपको अगर मौका मिला इस तरह के और आपको मौके मिले कि क्वेटा को खूबसूरत करना है, तो आप क्या करेंगे?
हम करेंगे। हम ये एसी को पेंटिंग्स को ही फिलहाल लेके चलना चाहते हैं ताकि आर्टिस्ट को एक जगह मिले कि वो अपना टैलेंट शोकेस कर सके। लेकिन जो यूथ है हम ये बोलेंगे कि अगर आपके पास आइडियाज़ हैं और आप चेंज करना चाहते हैं शहर को, दुनिया को, तो आप पीछे नहीं हटे। अक्सर लोग बोलते हैं कि एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग करके दिखा रहे हैं कि फ़र्क पड़ता है, होता है। आप क्या बनाना चाह रही थी इस वक्त? इस वक्त इस दीवार पे हमारा लोगो जाएगा और इस दीवार पे हम लोग कोरोना के लिहाज से मैसेज लगाएंगे कि स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आपकी एक दोस्त भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप थोड़ा सा अगर इस तरफ आ जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा। आप अपना नाम बताएं। मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा। जी बिल्कुल। अच्छा, गुड, जबरदस्त, बहुत प्यारा नाम है माशाल्लाह। सिदरा, ये बताएं कि ये सिदरतुल मुंतहा मैंने रख दिया, मुंतहा आपका नाम है। ये बताएं कि इस वक्त आपके दो कलर्स मैं देख रहा हूँ, एक येलो और एक जो है वो ब्लैक कलर आपने, तो ये जो ना मस्टर्ड कलर है, तो जो हम इसे येलो को और जब ब्लैक को जब मिक्स करेंगे तो वो मस्टर्ड कलर आएगा। और हमारा जो BAY का जो हमारा लोगो है वो मस्टर्ड कलर का है, तो इसलिए हम लोगों ने ये मिक्सिंग कर रहे हैं। मुंतहा, आप ये बताएं कि घर से आपको इजाज़त मिल गई? जी बिल्कुल बिल्कुल इजाज़त मिल गई थी। वो खुद कह रहे थे कि इतना अच्छा इनिशिएटिव है, तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो बहुत मज़ा आया। इसी सड़कों पे आपने घूमना भी होगा, रात को आप घूमती भी होंगी, आपकी फैमिली आपके साथ होगी, आपके दोस्त आपके साथ होंगे, जब आप अपने काम को खुद देखती हैं तो कैसा लगता है? तो बहुत अच्छा महसूस होगा, और उससे ज़्यादा अच्छा आपको लोग भी अप्रिशिएट बहुत करेंगे कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, और अपने काम को खुद देखना बहुत बहुत बहुत। आप बताती हैं जब किसी सड़क पे आपने काम किया होता है, जब कोई दोस्त आपके साथ होते हैं, फैमिली आपके साथ होती है, उनको बताते हैं आपकी ये काम मैंने किया? जी बिल्कुल, जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं तो हम बोलते हैं कि ये वाला हमारा काम होगा, तो वो भी कहते हैं कि हाँ, हम लोग बहुत लुक फॉरवर्ड टू करें कि कैसा होगा ये काम। पठान है आप? जी मैं पठान हूँ। कौन सी पठान? मैं काकड़ हूँ। काकड़ है? जी काकड़ हूँ। अच्छा, पश्तो दिसदा ना? वो बिल्कुल पश्तो दिसदा था। अच्छा माशाल्लाह, ये काकड़ ट्राइब से ताल्लुक है, ये भी एक हमारे क्वेटा का माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत रंग है कि हमारे पास बलोच, पंजाबी, पश्तून, हज़ारा और इसी तरह से जितने भी यहाँ पे ट्राइब रहते हैं सब यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। ये काकड़ कबीले से ताल्लुक़ रखती हैं, इनसे पहले बलोच ट्राइब से मक्सी कबीले से एक फ़ीमेल का ताल्लुक था, पंजाबी कबीले से एक फ़ीमेल का ताल्लुक था, और इसी के साथ साथ आपने देखा कि हमारे साथ हज़ारा कम्युनिटी की एक फ़ीमेल थी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है क्वेटा में, इस तरह का चेंज। क्वेटा में जो है हम एक मुट्ठी की तरह सब रहते हैं, हम सारे जो हैं वो एक हाथ की पाँच उंगलियाँ हैं, और पांचों उंगलियां जो वो एक साथ रहती हैं और इसी तरह एक दूसरे के साथ हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही पैगाम देना चाहेंगे कि हमने तो इनिशिएटिव लिया है, सपोर्ट हम देंगे, आइडियाज़, क्रिएटिविटी, टैलेंट आपका होगा, तो जितना अगर आप खुल के आएंगे बाहर उतना ही अच्छा होगा और उतना ही बलूचिस्तान प्यारा होगा, क्वेटा प्यारा उतना ही होगा। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अपने फ़न का मुजाहरा करने के लिए तकरीबन सारी फीमेल्स यहाँ पे मौजूद हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स हैं या वो खुद जो है किसी के साथ आई हैं, कोई डॉक्टर है तो कोई किसी ओहदे से ताल्लुक़ है, किसी का किसी ओहदे से ताल्लुक़ है। इस वक्त एक फीमेल जो है वो यहाँ पे एक खातून को का पोर्ट्रेट उन्होंने बनाया है, जिसके हाथ में मटका है, जो कि कल्चरल टच देता है, कल्चरल लुक देता है। इनसे हम पूछेंगे सबसे पहले इनका नाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़ेबानाज़। ज़ेबानाज़, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आपकी तबीयत कैसे है? ठीक बस। ये बड़ा मुश्किल काम नहीं है? नहीं। कितना टाइम लगा अभी आपको इसको बनाने में? सुबह 10 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँचे। सुबह 10 बजे यहाँ पे पहुँची है और इस वक्त तकरीबन 12:30 बजे, 12:45 बजे, तो आपने तकरीबन कोई 3 घंटे के अंदर बहुत एक खूबसूरत एक खातून बना दी है और उसके हाथ में मटका भी दे दिया है। आपका हज़ारा कबीले से ताल्लुक है? जी। नाज़रीन, ये हज़ारा कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है। अभी पिछले दिनों इनके साथ एक बहुत बड़ा सानिया भी हुआ था, और आप फिर भी देखें कि ये इस वक्त ये फ़ीमेल यहाँ पे मौजूद हैं, इनके हौसले जो है वो बुलंद हैं, और इस वक्त ये यहाँ पे मौजूद सड़क के ऊपर जो है एक पोर्ट्रेट बना रही हैं और लोगों को पैगाम देना चाहती हैं कि हम बहुत पुरअमन हैं, और उन लोगों को भी पैगाम देना चाहती हैं जो दहशतगर्दी करते हैं कि हम लोग किसी से नहीं डरते हैं ना, बलूचिस्तान वाले लोग, पाकिस्तान के अवाम जो है किसी से नहीं डरते। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगी इस हवाले से? ये पोर्ट्रेट आपने बनाया है, इसमें कितना टाइम आपको लगा सीखने में? और काफ़ी ये मुश्किल काम है, बारीकी वाला काम है, हर किसी का काम नहीं है। मैंने BS फाइन आर्ट किया है 4 साल SBK वुमेन यूनिवर्सिटी से। Good. और उसके अलावा भी मैं गैलरी जाती हूँ और वहाँ पर हम लोग मतलब रेगुलर काम करते हैं।
एज आर्टिस्ट। अच्छा, ये कलर वगैरह किसने प्रोवाइड किया आपको? ये सारा कुछ तो ये बड़ा महंगा होता है। इन्होंने हमें प्रोवाइड किया है, सिर्फ मतलब हम लोग काम करेंगे। अच्छा, तो ये मतलब आपको घर से इजाज़त मिल गई कि आप जाएं और सड़क के बीच में आप ये बना दें? मतलब इससे पहले भी हम लोगों ने अपने एरिया में वॉल पेंटिंग किया था और उसमें हमारी फर्स्ट पोजीशन आई थी, और मतलब उसको देख के मतलब सिटी के बाकी लोगों ने भी बहुत पसंद किया, इनकरेज किया कि मतलब आप लोग आए हमारे एरियाज में भी वॉल पेंट करें। तो क्या अगर आपको मौका मिले, आप क्वेटा की किस किस जगहों पे, किस किस शाहराहों पे इस तरह के पोर्ट्रे बनाएंगे और इससे अच्छे अच्छे पोर्ट्रे, खूबसूरत पोर्ट्रे किस किस जगह पे आपका दिल करेगा कि आप बनाएं? एज अ आर्टिस्ट अगर मुझे मौका मिले तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं पूरा क्वेटा को रंगों से भर दूँ, पेंट करूँ, और मेरे लिए क्वेटा के आवाम के लिए मतलब पीस का पैगाम है, अमन से रहे, पीस के साथ रहे, यहाँ पर जितने भी मतलब आवाम है, बलोच, पश्तून, सब मतलब सब के लिए एक अमन का पैगाम है एज आर्टिस्ट। अच्छा, इन्होंने आर्टिस्ट होने के हवाले से एक बहुत अच्छा पैगाम दिया कि अगर मुझे इजाज़त मिले और मेरा बस चले तो मैं पूरे क्वेटा को रंगों से भर दूँ। क्या बात की है यार, ये कमाल की बात है। पूरे क्वेटा को रंगों से भरना ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। और यकीनन ये अगर इस इनिशिएटिव को आगे लेके चलेंगे और इस तरह से पूरे क्वेटा को रंगों से भरने का जज्बा इनके दिल में होगा तो यकीनन ये जज्बा जो है एक ना एक दिन काम आएगा। नाज़रीन, हमारे आज का प्रोग्राम जो है इसी जगह पे इख्तिताम पज़ीर होता है। मुझे इस बात पे उम्मीद है कि आज का हमारा प्रोग्राम ये आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अपने दोस्त डॉक्टर नज़ीर दुरानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।